गायों की तस्करी कर ले जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। इस ट्रक में 34 गाय को ले जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। वहीं ट्रक में सवार एक व्यक्ति फरार हो गया है। छतरपुर के नौगांव थाना में पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक से गौवंश तस्करी कर तिगेला की ओर ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ट्रक को रोका और चालक को पकड़ लिया। ऐसे में मौका देखकर ट्रक हेल्पर भाग निकला। पुलिस ने ट्रक से गौवंश को निकालकर बुंदेलखंड गौशाला के सुपुर्द कर दिया। ट्रक में 34 गौवंश जिसमें से 7 बछड़े व 27 गायें भरे हुए थे। एक ट्रक जिसका क्रमांक MP17HH1803 है, उसमें कुछ गौवंश भरा हुआ है जो कहीं महाराष्ट्र तरफ ले जाने की फिराक में है। उसका चालक तत्काल सूचना पर मैं पल के वहाँ पर पहुँचा। देखा तो ट्रक में गौवंश भरा हुआ था। तकरीबन 34 गौवंश उसमें निकला है जिसमें से 7 बछड़े हैं, बाकी के गाय हैं। तो तत्काल मौके की कार्रवाई की गई, जब्ती कार्रवाई की गई है और आरोपी सब्बीर पिता का नाम हबीब खान, 44 साल निवासी सारंगपुर है, राजगढ़ का, तो उसको मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। और बाकी ये नौगांव गौशाला में इनको लाए हैं, डॉक्टर साहब को बुलाया था, गायों का परीक्षण करवाया, मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।